हे गाइस, कैसे आप? नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज दिन है संडे। आज मैं जैसे कि मैं बोलता हूँ कि सिर्फ संडे के दिन ही सौरभ और मिल पाता, इसलिए मैं जितने जितने हो सके संडे दिन ही शूट कर लेते हैं। तो आने वाले अगले संडे तक जो भी हमारे साथ में वीडियो देखेंगे, तो आज संडे के दिन ही वो हमने शूट किया होगा। शूट किया है और बहुत दिनों बाद मैंने लेटेस्ट कमेंट चेक करा है, तो कमेंट आया था कि जो एक्टिंग जो फिलहाल में गेम हुआ है तो उस पर रिएक्शन के लिए। तो आज हम वैसे तो मैंने रिसेंट में दिया वैसे एक्टिंग सेगमेंट, तो जैसा कि आप सभी का हुई कि हमने एक्टिंग पे दिया, फिर वो एक्टिंग का ही अगला देखेंगे कि मतलब कि बिल्कुल ये हमारा जाहिर कर देते हैं। हाँ, करते मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कुछ अलग हटके थोड़ा सा बताए वीडियो, हमें मजा आएगा देखने में। और एक इंस्टाग्राम पे कुछ दिल से शुक्रिया उन भाई साहब के लिए, क्या ना अब्दुल हसीब, उन्होंने यार हमारी बहुत अच्छी पिक बना के भेजी है और मैं ईमेल आईडी हमने दे दिया, आप वो सेंड कर दें, हम अपना लोगो चेंज करेंगे। हाँ, लोगो चेंज करेंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। वैसे तो ये लोगो बढ़िया है, लेकिन वो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और स्टार्ट करते हैं आज की बिना देखे एक्टिंग सेगमेंट गेम से चलेगा सीजन 5। 3, 2, 1 एंड गो। नेक्स्ट है आज का एक्टिंग सेगमेंट, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले कौन सी टीम आएगी एक्टिंग के जौहर दिखाने। टिकटॉकर सबसे पहले, उसके बाद इंस्टाग्रामर्स, उसके बाद यूट्यूबर्स और आखिर में है चैंपियंस। लो भाई, आहिस्ता की तरफ से लड़ी जाएगी विनिंग टीम के साथ। ले आओ भाई जल्दी से, सबसे पहले सिचुएशन टिकटॉकर्स के साथ क्या आ रही है देखते हैं। टिकटॉकर, दो लड़के दो मसले दो जंगे मगर दुश्मन एक। दो लड़के आग बगोला हैं क्योंकि उन दोनों को अपने दुश्मन से बदला लेना है। दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि वो अपने दुश्मन के साथ क्या क्या करेंगे, उसको कैसे मारेंगे। दो लड़के दो मसले दो जंगे मगर दुश्मन एक है। दोनों लड़कों का दुश्मन एक है। अच्छा, दोनों लड़कों का झगड़ा हुआ है किसी से, दोनों का दुश्मन एक है। अब दोनों एक दूसरे को बता रहे हैं कि वो उसको बंदा मिल जाए तो वो क्या क्या करेंगे। आइए जल्दी से, चलो भाई एक मिनट तुम लोगों के पास, रेडी। एक यहाँ पर, एक सामने, चलो रेडी गो गाइस। अगर मिल गया ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जरा तू क्यों गुस्से में? मेरा दिमाग खराब नहीं कर, मुझे अगर मिल गया मैं उसको गंजा कर दूंगा। गंजा क्यों गंजा कर देगा? पहले अपना मसला बता। तुझे क्यों बताऊं मसला? मुझे उस पे गुस्सा है, तुझ पे ना निकाल दूं। हट जा साइड पे, मेरी बात सुन। गुस्सा मुझे भी बहुत है। उसने ना बताऊं, उसने मेरी वाली को मैसेज करा है। मेरी वाली को भी मैसेज किया? हट जा पीछे, छोड़ूंगा नहीं मैं उसकी जान ले लूंगा आज। क्या बोला रे बे? ओए ना, जो भी हो मैं तुझे नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसको क्या करेगा उसके साथ? मैं उसकी टांगों के छोटे छोटे टुकड़े करेगा ना, मैं उसको जंगली डॉगीज के पास हवाले कर दूंगा उसके। मैं उसको नीचे लिटा के कभी इधर कभी उधर बस डरा मैं उसको यहाँ लिटा के चार पांच घाटियां चढ़वा दूंगा, कुचुम्बर बना दूंगा, मिल जाए मुझे। रुक 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 रुक, मैंने उसको तुझसे ज्यादा खतरनाक तरीके से मारना है। मैंने उसको फांसी पे लटका के, और फिर मैं बता नहीं सकता, बस मेरी बात सुन। नहीं सुननी मुझे, वो लाके दे। अबे उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ओ भाई सिंगल पसली वापस वापस, गुस्सा ज्यादा आ गया भाई। चलो बहुत आला भाई, जबरदस्त। आओ भाई नेक्स्ट कौन है? चलो भाई इंस्टाग्रामर्स। एक अंग्रेज लड़का उर्दू सीख रहा है, मगर उर्दू सिखाने वाला इसको अंग्रेज से मजे ले रहा है, उसको ठीक से उर्दू नहीं सिखा रहा। एक कोई भी इंग्लिशमैन है, कोई भी अंग्रेज आदमी है जो कि उर्दू सीख रहा है, लेकिन जो उर्दू सिखाने वाला है वो तफरिया कर रहा है उससे, उसको उर्दू सही से नहीं सिखा रहा। बहुत नजदीकी सिचुएशन है। चलो भाई अंग्रेज कौन है पहले बताओ तुम, और आप सिखाने वाले? पता था मुझे। आइए रेडी गो गाइस। या आई कैन डू इट। हेलो अंग्रेज, नो इधर आओ, मैं तुम्हें उर्दू। व्हाट आर यू सेइंग? यू डोंट नो, आई केम फ्रॉम लंदन टुडे। वाओ, या मैं तुमको उर्दू सिखाऊंगा। डू मी अ फेवर ब्रदर, प्लीज टीच मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उर्दू, या उर्दू, 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 यू नो इट्स कॉल्ड उर्दू। उर्दू, व्हाट इज उर्दू? प्लीज टीच मी हाउ टू स्पीक उर्दू। मैं आज खाना खाने जा रहा हूँ। मैं आज गाना गाना जा रहा हूँ। खाना उर्दू सिखा रहा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं सिखाओ। इधर आओ, इधर 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 बैठो, बैठो गली में बैठो। व्हाट इज बैठो? सिखाऊंगा गली में बैठो, कंचे खिलाओ कंचे। टाइम अप यार, ब्रिलियंट इंस्टाग्रामर, बहुत बढ़िया, अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस तुम लोगों की, बहुत आला, शाबाश। अब बारी है यूट्यूबर्स की। दो लड़के किसी पार्क में वर्जिश कर रहे हैं, वहां
वहाँ कोई वहाँ कोई लड़की आ गई है, अब उसको देखकर मुश्किल मुश्किल एक्सरसाइज कर बारी बारी वजन उठा रहा है, लड़की को देखकर हीरो बन रहा है, बहुत आला। आओ भैया ये मजे की पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, रुईया उठा रहे होंगे पहले, रुईया है ना। आओ भाई चलो रेडी। दो लड़के एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क में, लड़की आएगी उसके बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, उसके बाद इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, आ जाओ। नहीं आएगा ये, कुछ और लग रहा है। रेडी गो गाइस। जो देखो मैंने एक्सरसाइज सिखाई है वो करने का, देख बेटा आज आज पहले सबसे पहले पुशअप्स लगाते हैं। अभी ये कौन सा करता एक्सरसाइज है, इससे सब कुछ सेट हो जाएगा, स्क्वाट्स नहीं कुछ और निकल जाएगा, ये छोड़ दे, ये कर देख बाइसेप चेक कर, बाइसेप। ओए लड़की आ रही, अब देख ऐसे ऐसे ताकत का मुजाहिरा करना चाहिए। ये करके दिखा, ये करके दिखा। क्या हुआ, आप एक्सरसाइज करें ना, ये देखें, ये देखें, ये देखें, सिंगल पसली और इतनी हैवी एक्सरसाइज, उसके पास सिर्फ कद है मेरा बॉडी, ये देखो, ये देखें, ये देखें, मेरी बात सुने, ये एक्सरसाइज चेक करना क्या जमीन को धक्का दे रहे हो, ये मुझे देखो, ये मुझे देखो, मुझे देखो, कौन सी एक्सरसाइज, टाइम आउट गाइस, जबरदस्त जबरदस्त, ला भाई उतना बढ़िया नहीं कर पाए, बारी है चैंपियंस की। आओ, इसने तो कुछ बोलना नहीं होता, एक्सप्रेस करना था हमको। एक लड़के ने ऑफिस में बताया है कि काफी दिनों से उसकी तबीयत नासाज है, यानी कि खराब है, वो कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा है, आज उसका भांडा फूट गया, यानी कि झूठ बोल रहा था वो। जब बॉस घर पर उसकी आयादत के लिए गया तो वो बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, दही बड़े और भी बहुत सारे खाने खा रहा था। अब उसका बॉस की क्लास लेगा, तो उसका जो बॉस है वो बेचारे ये देखने गए कि जो उनका एम्प्लॉई है वो बीमार है शायद, लेकिन जब घर गए तो वो नेटफ्लिक्स लगा के आराम से चिल होके चीज़ें खा रहा था, बिल्कुल ठीक था, झूठ बोला हुआ था उसने। आओ जल्दी से। एक लड़के ने दफ्तर में बताया है कि काफ़ी दिनों से उसकी तबीयत नासाज है, वो कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा है, आज उसका भांडा फूट गया, बेसिकली आज भांडा फूटना है। जब बॉस घर पर उसकी आयादत के लिए गया तो वो बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, दही बड़े और भी पकवान खा रहा था। अब उसका बॉस की क्लास लेगा। चलो रेडी रेडी गो गाइस। ओ माय गॉड, मेरे एम्प्लॉयज की तबीयत खराब है, पूछ के तो आऊं कि उनके क्या हो रहा है। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो हेलो, लिसन, मैंने देखा तुम अभी बिरयानी खा रहे थे, खड़े हो फौरन। अम्मी क्यों लेके आते हो इतना सारा खाना, खड़े हो फौरन, खड़े हो फौरन। तुमने ऑफिस की छुट्टी क्या की तो तुम सारे एटिकेट्स खोल गए, खड़े हो फौरन, खड़े हो फौरन, खड़े हो, खड़ा करने के लिए चाचू मामू कहा हो आप लोग, बताती हूँ कि खड़ा कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं खड़े। हाँ क्या हुआ, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, बुखार बुखार। अच्छा और क्या क्या हो रहा था, नज़ला तो। अभी जो तुम बिरयानी की बोटियां ऐसे मंड मंड के खा के तुम डकारे ले रहे थे करके, वो क्या कुत्तों का ख्याल रखता, हड्डियां दूंगा तो बेचारे कहेंगे ना गोश्त वाली नहीं खा सकते। इधर आओ, तुम तनख्वाह लेते हुए तो ये बात नहीं बोलते हैं कि हड्डियां दादी हैं और आज तुम यहाँ पे बिरयानी खा रहे हो, तुम्हारी सारी तनख्वाह तो बीमारी में चले गई। क्या बोला तुमने, बहुत आला यार, जबरदस्त। और आज का डिसीजन बहुत मुश्किल है, पहले आप लोग बताइएगा। सबने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा अच्छी कोशिश हम हमको लगी टिकटॉकर्स की भी अच्छी लगी और इंस्टाग्रामर्स की भी और इनकी चैंपियंस की भी जो थी वो तीनों की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। इन लोगों की भी अच्छी थी लेकिन इन लोगों के मुकाबले में थोड़ा सा कम था, लेकिन ये इन तीनों के बीच में डिसाइड करने में आपकी हेल्प चाहिए दाइश भाई। अच्छा, आप आखिर के पहले दो बताइए मुझे कि इन दोनों की बेस्ट थी, फिर बताता हूँ। चैंपियंस और इंस्टाग्रामर्स, चैंपियंस और इंस्टाग्रामर्स। जी हाँ, आपने मुझे भी मुश्किल में डाल दिया है क्योंकि आज बहुत सिचुएशन के हिसाब से वहीं चैंपियंस ने भी बहुत आला एक्टिंग की है, लेकिन आज के तीन पॉइंट्स जाएंगे टीम इंस्टाग्रामर्स के साथ, सबसे बेहतर थे ये लोग, हो जाए गाइस। यार नूरे खुदा,
सो गाइस ये थी आज की वीडियो, प्रमोशन आ गया बीच में दूसरे टीवी एड्स का, और माफी चाहते हैं आवाज आ रही है बाहर, बेचारा कोई बहुत ही जोरदार तरीके से अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं रहा है, लगता है हमको हमारी हेल्प चाहिए, और अब करना चाहेंगे आप हेल्प अब सीधा वीडियो बात बात करते हैं। सबसे पहली बार अब्दुल भाई पहचान में आए नहीं रहे बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, क्योंकि क्लोजली उनका पूरा क्लोज चेहरा नहीं दिखाया गया, दूर से दिखाया गया था, मुझे लगता है उन्होंने शेविंग कराई है और बाल कटवाए हैं, शेविंग करवा ली, बाल कटवाए, अपनी पर्सनालिटी उन्होंने बिल्कुल मतलब टोटली चेंज कर दी। नहीं वो तो समझ गया मैं, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने शेविंग और बाल कटवाए, इसी वजह से वो पहचान में नहीं आ रहे, यही होती है पर्सनालिटी चेंज करने का यही तरीका होता, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया ये सच्ची। बड़े बड़े बाल होते हैं और आप भी कह रहे थे ना कि एक बार उन्होंने गलती से मतलब नाई ने मतलब शर्म में गलत काट दिया, तो उन्होंने फिर उन्होंने कटवा लिया, तो उसके बाद फिर से लंबे करने लगे थे बाल, फिर उन्होंने भी कटवा लिया दोबारा से, वो भी काफी छोटे हो गए थे बाल भाई, मैं कुछ हो सकता है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने पे, जो भी है आप देखते हैं क्या, बाकी आप कमेंट करके बताए, लेकिन यार उन पर लॉन्ग बाल मतलब लंबे बाल अच्छा सूट करता है, और इस बार जो बाल कटवाए उन्होंने पूरी तरीके से छोटे छोटे करवा लिए, बहुत ज्यादा बोल भाई, भाई सही कह रहे यार, उनका एक्सपेरिमेंट कुछ सोच के करवाया होगा, अब ये तो है नहीं कि हमारे कहने से चलेंगे भाई, उनकी लाइफ वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं भाई। चलो ठीक है भाई, अब नहीं हमारा भाई, हम देखते हैं फैंस उनके, हमारा हमें अच्छा लगता ना वो, यहाँ पे जो होते हैं जैसे कि भाई उसने ऐसा क्यों करा, भाई ऐसे करना चाहिए, फैंस मतलब ऐसे घुस जाते हैं, ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, जैसे कि मतलब कि समझ रहे हैं ना, आप समझ गए होंगे मतलब उनकी लाइफ ना, हम जो बोले वही जुड़े हुए काफी ज्यादा क्लोजली उनकी, हमने देखा उनकी पर्सनल लाइफ है, वो नहीं देख पाते हैं, कोई भी फैंस नहीं देख पाता है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, थैंक यू सो मच।